Hey guys, welcome to Shyama's Makeover channel, and today I'm gonna show you simple U-shape haircut step by step. So please continue to watch my video till the end and subscribe to my channel, share and like. So friends, make sure जब भी आप वीडियो देखते हैं जो क्वालिटी है वो 720 होना चाहिए. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सबसे पहले मैंने सेक्शनिंग किया, सेंटर पार्टिंग की, और आप देख सकते हैं कैसे मैंने सेक्शनिंग किया. दोनों तरफ से मैंने क्लिप लगाया. सो सबसे पहले मिडिल सेक्शन लेना है. मैंने मिडिल सेक्शन लिया और उसको मैंने स्ट्रेट कट किया एट 0 degree. फिर मैं थोड़ा सा लेफ्ट के बाल ले रही हूँ और हाथ फिंगर्स को थोड़ा तिरछा ले रही हूँ और धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेफ़्ट से कट करना है तो मैं अपना पोजीशन भी लेफ़्ट में ले रही हूँ. अब मैंने थोड़ा सा राइट में आ रही हूँ. मैं राइट के सेक्शन में कट कर रही हूँ. जितना राइट के सेक्शन में करूँगी कट, जो मेरा फिंगर है धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा. लेफ़्ट से जो मेरा फिंगर था वो नीचे जा रहा था, इस तरफ से मेरा फिंगर स्लाइटली ऊपर जा रहा है. ये देखिए, लेफ़्ट से मैं कट कर रही हूँ, उसमें फिंगर मेरा नीचे जा रहा है. दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया सेंटर पार्टिंग करके, और जब मैं राइट तरफ से जा रही हूँ तो मेरा फिंगर ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से यू शेप क्रिएट होना. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक दिखा रही हूँ कि आप इजीली सिंपल वे से यू शेप कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, से मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और उसके बाद क्लाइंट को बोला थोड़ा सा आप अपोजिट साइड टर्न कीजिए. अपोजिट साइड झुकाया मैंने क्लाइंट के सर को और स्ट्रेट कट कर दिया. फिर मैंने कॉम किया और थोड़ा सा मैंने बैक साइड के बालों को लिया और उनको बोला थोड़ा सा आप अपने सर को अपोजिट साइड झुकाइए, और फिर मैंने कट कर दिया. सेम मैंने बेस लाइन लिया, जो गाइडलाइन होती है उसकी तरह से मैं कट करी जा रही हूँ. सेम मैंने लेफ़्ट साइड से राइट पोजीशन से भी मैं बालों को ले रही हूँ, और गाइडलाइन मुझे मिलता जा रहा है और मैं इसको कट कर रही हूँ. आप देख सकते हो कि मैं कैसे खूबसूरती से काट रही हूँ बालों को. स्ट्रेट कट करना है तो आप देखो खाली आपने कौन सा पोजीशन चेंज किया. आप अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो, क्लाइंट तो उधर ही है, आपने अपने पोजीशन को चेंज किया. अब मैंने दोनों तरफ से सेक्शन किया, टॉप ऑफ द हेड टू टॉप ऑफ द ईयर. दोनों तरफ से मैंने सेक्शन क्लिप से मैंने बैक साइड के बालों को मैंने क्लिप कर दिया, और फ्रंट में मैं थोड़ा सा डीप यू देने के लिए मैं और शॉर्ट करूँगी. फ्रंट से मैं एक सेक्शन कट कर रही हूँ स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट कट किया, ठीक है, 0 degree पे. उसके बाद राइट साइड से जो अकॉर्डिंग टू जो मेरा गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं जा रही हूँ. हाथों को तिरछा कर रही हूँ और मैं कट कर रही हूँ. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको 2-3 बार ऐसा कट दिखाया है, आप देख सकते हो. तो हाथों को तिरछा कर रही हूँ और कट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट से जितना शॉर्ट होगा जब आप बैक करेंगे पूरे बालों को तो वो डीप यू शेप नज़र आएगा. सो अगेन मैं लेफ़्ट साइड से ले रही हूँ, सॉरी राइट से ले रही हूँ, क्लाइंट का राइट साइड है. अगेन तिरछा करना है बालों को. देखो आप सेक्शन बाय सेक्शन कैसे ले रही हूँ, जैसे रेज़र कट करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने डीप यू के लिए फ्रंट से रेज़र कट जैसा कट करना है. और मैंने बॉक्स सेक्शन लिया और बॉक्स सेक्शन को मैं पूरा 90 degree में उठा रही हूँ. फिर मैं इसको चेक करूँगी, मैं कट नहीं कर रही हूँ, हल स्लाइटली कट करूँगी, चेक कर रही हूँ. देखो कितना माइनर सा कट किया मैंने, ओवर डायरेक्शन में मैंने काट दिया बालों को. दैट्स इट. फिर दोबारा मैं कॉम कर रही हूँ बालों को, और फिर अगेन कॉम कर रही हूँ, और ये मैं चेक कर रही हूँ बालों को. थर्ड टाइम फिर मैंने किया चेक. जितना चेक करोगे उतना हेयर कट ज़्यादा अच्छा होता है. सो अभी मैं फ्रेंड के बालों को जो मैंने कट किया उनको मैं चेक कर रही हूँ. देखो क्राउन के बालों को मैंने आधे बालों को सेक्शन किया और आधे बालों से मैं चेकिंग कर रही हूँ कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है. तो मैंने देखा कि नहीं है, तो फिर मैं दोबारा इन बालों को
दोबारा इन बालों को मैंने बॉक्स सेक्शन लिया और फिर मैं ऊपर ले जाके इन बालों को चेक कर रही हूँ। फिर आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बैक के बालों को जो मैंने काट के सेक्शन क्लिप से टक किया था उन बालों को फ्रंट के बालों के साथ मैं मैच कर रही हूँ कि कहीं बैक के बाल अनइवन तो नहीं है, क्योंकि जब आपने बैक से काट दिया दोबारा भी तो चेक करना होता है ना फ्रेंड्स। नाउ टाइम टू ड्राई द हेयर। मैं बालों को सेक्शन कर रही हूँ और मैंने मोरक्कन का बिग ब्रश लिया और उससे मैं स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रही हूँ। स्ट्रेट करना है और स्लाइटली इन करना है। वाओ, अमेजिंग। यहाँ देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये यू शेप। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, सी यू सून।